गुड मॉर्निंग डी अक्सान। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम अमृता कुमारी और मेरा घर किसनीपट्टी गांधी टोला और मैं मधुबनी ज़िला से बिलोंग करती हूँ। और मैं आज जो है इस गायनोजी शैम्पू है इसके बारे में हम जानकारी देने जा रही हूँ। ये शैम्पू जो है हम लोग का बाल जो है बहुत लंबा घना होता है तो हम लोग साबुन से नहीं धो पाते हैं और जितना भी मार्केट का हम शैम्पू लगाते हैं उसमें केमिकल डाला हुआ रहता है और लगाने में तो अच्छा होता है कि बाल पूरा सॉफ्ट लगता है लेकिन बाद में जो है बाल बहुत टूटने लगता है, पकने लगता है। इसी तरह जो है इसमें डिएक्शन में एक ऐसा गायनोजी शैम्पू है जो हमको इस तरह से यूज करना है हम लोगों का, क्योंकि हम लोग का बाल बहुत लंबा घना होता है। एक कटोरा लेंगे, इस कटोरा में जो है पानी डाल करके इसमें जो है 10 बूंद शैम्पू इसमें से जो है इसमें डालना है। इसमें अगर शैम्पू डाल करके इसको पतला करके हम लोग का बाल बहुत घना इतना लंबा लंबा होता है इसको जिसके जड़ में जो है इतना छेद जो होता है छोटा छोटा छिद्र इसमें जो है इसको पूरा मालिश करना है। मूम छिद्र में जो है धीरे अच्छा से मालिश करना है क्योंकि जितना इसमें जो है गायनोडर्मा डाला गया है और जीएल जो है ये आरजीजीएल इसका सत्तू इसमें डाला गया है। इसका काम तो है कचरा हटाना आरजी का, और जीएल का काम है जो इसमें पोषक तत्व देना। अगर बाल पक रहा है या टूट रहा है या झड़ रहा है इस तरह से हम लोग को इस छिद्र में जो हम लोग लगाते हैं इसको मालिश करके तो इस छिद्र में पोषक तत्व जो मिलता है तो हम लोग का बाल का बहुत अच्छा से अति होता है। और ये हो गया जो ये नीली हेयर ऑयल तेल, ये जो है हम लोग मार्केट का तेल यूज करते हैं। वो भी तेल जो नारियल का तेल होता है वो भी अभी शुद्ध नहीं मिल रहा है, उसमें जो है वो भी लगाते हैं हम लोग तो थोड़ा बाल में जो है बहुत तरह से दिक्कत आता है, कभी सर दर्द होने लगता है बहुत तरह से। लेकिन ये तेल को हम अपने यूज किए हैं, अगर हमें माथा जो दर्द करने लगता है अचानक धूप में आते हैं और सर के धो करके शैम्पू के बाद अगर ये तेल जो हम अपने बाल में लगाते हैं तो पूरा बाल का जो है पोषक तत्व भी मिलता है और बाल का पूरा मूड भी अच्छा लगने लगता है, बाल भी अच्छा लगता है, सॉफ्ट लगने लगता है। और हम सबको यही जानकारी देने चाहते हैं कि जो नीली हेयर ऑयल तेल हम सबको लगाना है और बाल को बहुत अच्छा अच्छे तरह से बहुत अच्छा बाल जो अगर पक रहा है तो इसको एक कटोरा लेंगे, इसमें तेल डाल करके इसमें जो है इसमें भी धीरे धीरे जिस तरह से हम शैम्पू के यूज कर रहे हैं इसके बाल में इसी तरह से हम इस तेल को भी धीरे धीरे लगा करके अपने बाल में जो है लगाएंगे। और अपने आप जो है 10-5 मिनट के बाद जो अपना पूरा महसूस होने लगता है जो पूरा ठंडा बाल मार्केट में जो है नवरत्न तेल मिलता है वो उससे भी अच्छा बहुत बढ़िया एक तेल है। इसमें झांस रहता है, इसमें ज़्यादा अति रहता है लेकिन ये इतना अच्छा तेल नीली हेयर ऑयल तेल है जो हम लोग को जो इसमें क्या है सर नारियल है और इसमें भी और सब बहुत सारा जड़ी बूटी डाला हुआ है, जड़ी बूटी से बना है ये तेल नीली हेयर ऑयल, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। हम सबको बताएंगे कि जो जितना हम लोग दीदी लोग हैं सब लगाइए अपना बाल को अच्छा, अपना बाल को सेपरेट रखिए। इतना ही कहकर अपना मानिए।